वेलकम टू माय किचन। और आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ कलरफुल वेजीज और ब्रेड के साथ एक शानदार कुरकुरा कटलेट, जो बहुत मजे का होता है। मैं इसे पर्सनल रिकमेंड करूंगी, आप बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा बना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। उसके अंदर मैं मस्टर्ड सीड्स डालूंगी, राई के दाने। जब वो चटक जाएंगे तो उसमें हरी मिर्च, क्रश जिंजर, कूटा हुआ अदरक डालकर इसे थोड़ा सा भून लेंगे। अब उसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे, 2 मीडियम साइज के अनियन मैंने डाला है। और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मीडियम लाइट ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम चॉप्ड कैरेट डालेंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे। कैरेट को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और उसे भी भून लेंगे ऑयल के साथ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्रीन पीस ले लिया, इसे भी मिक्स कर लेंगे। और कैप्सिकम डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। ऑयल में फ्राई भी हो रहा है और पक भी रहा है। फिर हम कुछ मसाले डाल लेंगे, जिसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरे का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर भुना हुआ, लाल मिर्च का पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और सबको अच्छे से मिक्स कर लें। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। अब सारे वेजीज मसालों के साथ भून गए हैं। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को बॉयल करके क्रश कर लिया है। अब उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे और सारे वेजीज मसाले और आलू को अच्छे से फ्राई कर करके भून लेंगे। अब हमारे मसाले पक गए हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं 5 मिनट भूनना है। अब यहाँ पर मैं आमचूर पाउडर डालूंगी, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डालूंगी और उसे भी स्टफिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। पलट पलट कर आलू को सब्जियों के साथ भून लूंगी। मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अब आखिर में मैं यहाँ पर एक छोटी कटोरी हरा धनिया डालूंगी और उसे भी अच्छे से मिला लूंगी। ये पकौड़े मैं बनाई, अपने दोस्तों को खिलाई, उन्हें बहुत पसंद आया। आप भी ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा बना। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्टफिंग हमारा रेडी हो गया है। अब हम ब्रेड लेंगे, ब्रेड को पानी में डालकर सॉफ्टन कर लेंगे और अपने हाथ पर रख कर उसे अपनी हथेलियों से दबा दबा कर उसका सारा पानी निकाल लेंगे। अब स्टफिंग को ब्रेड के एक किनारे रख कर दूसरे तरफ से पलट कर अच्छे से पैक कर लेंगे। यहाँ पर मैं फिर से दिखा रही हूँ, ऐसे पानी में डिप करना है और उसे अपने हाथ पर रख कर हथेलियों की मदद से दबा दबा कर सारा पानी निकाल लेना है और ऐसे स्टफिंग को भर कर उसे चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेना है। फिर और उसे सूजी में, जिसे रवा भी कहते हैं, उसमें अच्छे से कोट कर लेना है। यहाँ मीडियम फ्लेम पर ऑयल गर्म कर लेंगे और अच्छे ब्राउन होने तक अपने कटलेट को फ्राई करेंगे।
कटलेट एक साइड से फ्राई हो गया है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। कटलेट रेडी हो गया है, मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरा, अंदर से सॉफ्ट एंड टेस्टी, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।